और इस पूरी रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा जो चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, दैट वॉज द थिंग और दैट वॉज द एक्ट मेड बाय वन ऑफ आवर गेस्ट, कि उन्होंने इतना कुछ ऑर्डर किया, पैक कराया और फुल्ड हो गए. सो ये एक छोटी सी चीज़ थी, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए ना बड़ी इंजॉयबल हो कि ऐसे भी होता है, हमें ऐसे भी लोगों के साथ डील करना पड़ता है. बट बहरहाल, दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एक्टिविटी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद माई ऑडियंस. इंशाल्लाह सी यू अगेन वेरी सून. ईद अभी आई नहीं, बट आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह थोड़े दिन बाकी रह गए, अभी तो सारी तैयारियाँ वगैरह सब की जारी होंगी. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग. ईद की तैयारी हम मीडिया वालों को ना वक्त से पहले करनी पड़ती है. जो हमारे ईद शोज़ होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइव नहीं होते, बल्कि हम उनकी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं. सो यस, मैंने अपने शो की दो रिकॉर्डिंग्स तो करवा दी. बेसिकली मुझे 3 दिन के ईद शोज़ रिकॉर्ड करके देने थे अपनी टीम को, ताकि वो ईद पर, ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन और ईद के तीसरे दिन चला सकें. सो इसके लिए तीसरी रिकॉर्डिंग रह गई थी. एक वीलॉग तो आप पहले ही देख चुके हैं, उसमें मैंने पहली रिकॉर्डिंग और दूसरी रिकॉर्डिंग का की जो चीज़ें थी, जो गेस्ट थे, जो क्लिप्स थे, वो मैंने सारा कुछ कंबाइन कर दिया था. सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ माय थर्ड रिकॉर्डिंग, और मैंने सोचा उसका ब्रीफ सा, छोटा सा, शॉर्ट सा एक क्लिप बनाकर आप लोगों के सामने रखूँ. सो यस, आई एम वेयरिंग दिस ब्रांड बाय एम्ब्रोसिया, और एमएम आलमपुर इनकी ब्रांच है, वहाँ से मैंने ये अपना ड्रेस पिक किया. और फिर उसके बाद मैं ऑफिस गई एंड आई गॉट रेडी, और वहाँ पर तैयार होने के बाद, अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि मुझे बहुत न्यूड, बहुत लाइट मेकअप पसंद है. एंड लिटरली जब मैं अपना मेकअप करवा रही होती हूँ ना, तो एट टाइम्स मेरा मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ना हंसता भी है, परेशान भी होता है कि आप मुझे इतनी सी बेस देती हैं, लिटरली इट्स लेस देन अ ड्रॉप. तो आपकी तो शायद बेस कभी ख़त्म ही ना हो, यानी जिस रफ्तार से हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ना यूज़ कर रहे होते हैं. तो मैं इतनी बेस लगा कर और फिर उसके बाद अपना बड़ा लाइट सा मेकअप करवाती हूँ. लेकिन उस दिन हुआ क्या कि द मेकअप आर्टिस्ट वॉज चेंज. सो उसने कहा कि मैं आज अपनी मर्जी से ना मेकअप करूँगी. मैंने कहा ओके, इट्स अप टू यू, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो कि आज हमें अपनी मर्जी करने दे, तो फिर मैं नहीं इंटरफेयर करती अगर कोई प्यार मोहब्बत से कह रहा हो. सो उसके लिए ना उन्होंने मुझे प्रॉपर वो जो सही वाला जो तैयार नहीं होता, विद फुल आई शेड्स ऑन और साथ लिपस्टिक्स और इस तरह से बाल भी कर्ल टाइप थे, तो उस तरह से तैयार किया. एंड येस, व्हेन आई हैड टू रीच द डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, बेसिकली इट्स अ रेस्टोरेंट जो मेरा अपना ही वहाँ पर बड़ा अच्छा ताल्लुक है. और हमारा जो सेट था ना, बेसिकली होता क्या है कि रिकॉर्डिंग्स के लिए स्पेशली सेट लगता है. सेट जब लगता है तो वो लगता है रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो रिकॉर्डिंग्स आपको करनी पड़ती हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में. मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि मैं रमज़ान के आखिरी अशरे का वेट करूं. सो मैंने उससे पहले ही एक बाहर रेस्टोरेंट में मेरा ताल्लुक था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने जाके अपनी रिकॉर्डिंग्स तीनों वहाँ पर कर ली कि हम टाइमली फ्री हों. सो जब मैंने अब डेस्टिनेशन, यानी जो हमने स्पॉट सिलेक्ट किया था, लोकेशन सिलेक्ट की थी, वहाँ पर पहुँचना था, तो लाहौर में ना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, जिसकी वजह से आई गॉट वेरी लेट. एंड व्हेन आई रीच देयर, तो फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि सारे गेस्ट वगैरह दे वर ऑल इन, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी लेट आई हैं. बिकॉज उनमें से एक दो एंकर्स थे और एक और खातून थी, वो मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है. दे वर एक्चुअली माई गेस्ट, मतलब मेरे रेफरेंस से आए हुए थे. बाकी कुछ गेस्ट थे जो मेरी टीम ने भी बुलाए हुए थे. और फिर खैर क्विकली मैंने कहा अच्छा चलें फटाफट करते हैं. नॉर्मली होता ही है कि जब हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमने गेस्ट को जो टाइम दिया होता है ना, ये बड़ा अनलकी होता है. बट एट टाइम्स वो रिकॉर्डिंग अपने टाइम पर स्टार्ट नहीं होती, बल्कि लेट हो जाती है. बट खैर हम फिर उसके बाद अपने जहाँ पर हमने अपना रिकॉर्डिंग करनी थी, सेट लगाया हुआ था ना, आई रीच देयर. फिर वहाँ पर थोड़ा सा कैमरा मैन सेटिंग कर रहे थे, और उसके बाद यस फिर मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई. असल में कुर्सी की जंग होती है, खैर मेरी किसी से कोई जंग नहीं. सो यस, फिर मैं वहाँ जाकर बैठी एंड आई स्टार्टेड द शो. और उसके बाद ये मैं एक इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य हुआ, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि हुआ क्या.
खैर मेरे उस दिन के गेस्ट अभी आप लाइक पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, कुछ वीडियोस भी मेरे पास हैं कि इसमें सलमान हसन इज़ द एंकर, ही हैज़ बिन ऑन जियो, आजकल GNN पे हैं, प्रीवियसली ही वॉज ऑन दुनिया न्यूज़, सो उनको मैंने इन्वाइट किया हुआ था. आमना मुफ्ती द राइटर, जिनके आप बहुत से ड्रामास वगैरह देखते हैं, शी वॉज देयर इन माई ट्रांसमिशन एज अ गेस्ट. एक हमारे गेस्ट स्किप हो गए, फिर मैंने किसी को क्विकली रिक्वेस्ट की कि भाई हमें गेस्ट एक अच्छा सा अरेंज कर दें. सो वो जो गेस्ट थे वो पुलिस से थे, और इसके अलावा कुछ और भी हमारे गेस्ट थे, वो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं. हुआ क्या कि हमारे एक गेस्ट आए थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज बुरा लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती. हुआ क्या कि बेसिकली इट्स अ रेस्टोरेंट जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी आपको देख भी रहे हैं सारा एनवायरमेंट. जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो हुआ क्या कि उन्होंने ना कहीं खुद ही से ना अच्छा खासा खाना ऑर्डर कर दिया, और इतना ज़्यादा उन्होंने खाना शाना ऑर्डर कर दिया, और उसमें हमारे पास जब बिल आया तो उसमें चिकन कढ़ाई, पटियाला हांडी, बिरयानी, चाइनीज़ की डिश थी एक, मतलब फ्राइड राइस और एक चाइनीज़ की ग्रेवी थी, रशियन सैलेड, बारबेक्यू, माश की दाल, ये सारा कुछ ऑर्डर कर दिया ना. अच्छा, जब उसके बाद हमने अपनी रिकॉर्डिंग सारी वाइंड अप की और उसके बाद पैकअप हुआ, तो अब हमारे जो वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे उनके लिए जो हमने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था, एक हाई टी कह लें, स्नैक्स कह लें, जो थोड़े बहुत मंचिंग के लिए, सो वी वर ऑल शॉक्ड कि ये इतना बिल कहाँ से बन गया, आज तो हमने इतना कुछ खाया पिया ही नहीं है. इस तरह मेरी टीम एक्चुअली दे वर वेरी शॉक्ड कि हुआ क्या. तो जब वेटर हमारे पास आया, उन्होंने कहा आपका वो जो फलां गेस्ट था उसने ये सारा कुछ ऑर्डर किया और उसने सारा कुछ पैक करवाया और वो साथ ले गया, उसकी मदर साथ आई हुई थी. ओ भाई, हम तो हैरान रह गए कि गेस्ट और ऐसा भी करते हैं. मतलब हमारे न्यूज़ मीडिया में तो ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन ये किसी और नौयत के गेस्ट थे, वो शोबिज वाली टाइप थी उनकी, काइंड ऑफ आप कह लें. सो वो उस टाइम मेरी टीम को बहुत गुस्सा भी आया, उन्होंने कहा कि आज के बाद ये बंदा हमारे चैनल पर नहीं आएगा, बिकॉज दिस वॉज अनएथिकल कि आपने टीम को पूछा भी नहीं, आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, आपने ऑर्डर की चीज़ें उनको पैक करवाया, गाड़ी में भिजवाया, और उसके बाद आपने ये भी नहीं कहा कि भाई बिल दे देना या कुछ, और आप चले गए. सो मेरे लिए तो बहुत एस्टॉनिशिंग ये सारी सिचुएशन थी, मेरी टीम बड़ा ना बुरबुरा रही थी उसमें. मैं नाम नहीं यहाँ लूँगी, वैसे एक दो लोगों ने मुझे कॉल करके ना उस दिन कहा कि हुआ क्या है, मैंने एक स्टेटस भी लगाया था फेसबुक पर इस हवाले से, तो मैंने कहा कि सॉरी आई जस्ट कैन नॉट शेयर इन फ्रंट ऑफ द फेसबुक फैमिली जो मेरी है, बट येस मैंने एक दो लोगों को नाम बता दिया बिकॉज दे वर एक्चुअली फोर्सिंग मी कि भाई हम भी उस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, तो ये इनडायरेक्टली हम पे भी तो लोग डाउट कर सकते हैं ना. सो ये उस टाइम तो गुस्सा था मेरी टीम को या मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में ठीक हो गया सारा कुछ, गुस्सा उतर गया, बल्कि अब हम इन्जॉय करते हैं कैसे भी लोग दुनिया में होते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ फिर हुआ क्या कि हम जहाँ पर हैं अभी आप देख सकते हैं, दिस वॉज द प्लेटर दैट आई ऑर्डर्ड. ये मैंने अपनी टीम को कहा कि चलो भाई आज मैं आपको ना ये खिलाती हूँ यहाँ से. सो ये फिर हमने प्लेटर खाया, एंड इट्स सच अ गुड प्लेटर. मैं जब भी यहाँ पर जाती हूँ, द रेस्टोरेंट इज़ द लॉर्ड ऑफ फूड, जहाँ पे मैं बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं. सो मैं जब भी यहाँ पर जाती हूँ, मेरा अपने कोई गैदरिंग वगैरह भी होती है, तो मैं यही मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर करती हूँ. और इसमें प्लेटर में होता क्या है, फ़िश होती है, थोड़ा सा बारबेक्यू होता है, टिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, और चॉप्स होते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी होती है, एंड द राइस, और साथ बाद में ना गुलाब जामुन होते हैं. सो बहुत मज़ा आया, माई टीम वॉज देयर, वी एक्चुअली हैड अ वेरी 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 गुड टाइम. और इस पूरी रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, दैट वॉज द थिंग, और दैट वॉज द एक्ट मेड बाय वन ऑफ आवर गेस्ट, कि उन्होंने इतना कुछ ऑर्डर किया, पैक कराया और फुल्ड हो गए. सो ये एक छोटी सी चीज़ थी, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए ना बड़ी इन्जॉयबल हो कि ऐसे भी होता है, हमें ऐसे भी लोगों के साथ डील करना पड़ता है. बट बहरहाल, दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एक्टिविटी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद माई ऑडियंस. इंशाल्लाह सी यू अगेन वेरी सून. ईद अभी आई नहीं, बट आई होप कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह थोड़े दिन बाकी रह गए, अभी तो सारी तैयारियां वगैरह सब की जारी होंगी. सो आई विल ट्राई मेकिंग अनदर वीलॉग ऑन ईद इफ आई विल बी फ्री. सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, वैसे भी वीलॉग्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड, बाय.